इतिहासकार हैं जिन्होंने अहिंसा और गांधी के संघर्ष पर अध्ययन किया है। 1941 में जन्मे सुधीर जी कई यूनिवर्सिटी से जुड़े रहे हैं, जैसे कि जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, मिजोरम यूनिवर्सिटी, नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी व कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और शिकागो यूनिवर्सिटी। सुधीर जी का शोध आधुनिक भारतीय सामाजिक चेतना पर केंद्रित है, विशेष रूप से धर्म, संस्कृति और राष्ट्रवाद का परस्पर संबंध। उन्होंने हिंसा और अहिंसा के विषय पर कई पुस्तकें लिखी हैं, इनमें से एक पुस्तक है गांधी एक असंभव संभावना। नमस्कार सुधीर जी, अहिंसा कॉन्वर्सेशंस में आपका स्वागत है। तो बचपन की याद से शुरू करते हैं। आपकी जिंदगी में सबसे पहली या बहुत बचपन की क्या याद होगी अहिंसा के बारे में? नमस्कार रजनी, देखो ये इतनी विचित्र बात है कि तुमने जब ये सवाल पूछा तो पहली बार मेरे दिमाग में ये बात आई कि मैंने तो कभी सोचा ही नहीं कि मैंने पहली बार कब हिंसा और अहिंसा की बात सोची। और ये खासतौर से अजीब इसलिए बन जाता है कि गांधी की बात मैं सोचने लायक हूं उससे पहले से मेरे मन में आने लगी थी। तो अगर तुम मुझे अनुमति दो तो मैं गांधी की अपनी याद से बात शुरू करना चाहूँ। मैं 7 और 8 के बीच में था, उम्र की बात कर रहा हूँ, और बड़ा सा हमारा घर था। जब अचानक कोई दौड़ता हुआ घर में घुसा और आंगन में उसने कहा कि गांधी जी चले। और मुझे याद है कि मैं सुनते ही रोने लगा। उस शाम का मैं लंबा वर्णन नहीं करना चाहूंगा क्योंकि उसकी याद रुलाने लगती है, तो इस बात को मैं बिगाड़ना नहीं चाहूंगा रोके। तो जैसे तैसे वो दिन बीता। घर में खाना तो किसी ने ही नहीं खाया और ये भी नहीं कह सकते कि कोई भूखा सोया। बाद में रजनी पता लगा कि मोहल्ले में ही नहीं किसी ने खाया था। और जब मैं पढ़ने लगा बाद में गांधी पर, मैंने कुछ ऐसी चीजें जानी, मसलन इंग्लैंड के किस्से हैं कि लंच का वक्त था जब खबर पहुंची और ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कि अपना लंच नहीं किया। ऐसे भी किस्से हैं कि अमेरिका में नाश्ते का वक्त था और लोगों ने नाश्ता नहीं किया। तो जहां दुनिया भर में ये प्रभाव पड़ सकता था गांधी के जाने का, तो अगर मेरे जैसे बच्चे पर वो प्रभाव पड़ा तो कोई ताज्जुब की बात नहीं थी। लेकिन फिर भी कभी ये बात मन में नहीं आई कि भाई गांधी तो अहिंसा के उपासक थे, तुम क्यों नहीं इस बात पर सोचते। और सच ये है कि जब नक्सली आंदोलन हुआ उस समय मैं अपनी PhD की रिसर्च कर रहा था, कलकत्ता गया, कई महीनों वहां रहा और मुझे ये लगा कि जैसे कलकत्ता, यहां मैं सांस ले पा रहा हूं, यहां मुझे स्वतंत्रता मिल रही है जो कि दिल्ली में नहीं मिलती है, बड़ी अजीब सी चीज। और मेरी पूरी सहानुभूति नक्सली आंदोलन के साथ थी। अब इससे तुम अंदाज लगा सकती हो
कि हिंसा वो हिंसा जिसको जिसके के उद्देश्य को मैं सही मानता था उसके प्रति मुझे किसी भी तरह का कोई रिजर्वेशन नहीं था। ये बहुत बात में जब मैंने गांधी पर विधिवत अध्ययन शुरू किया मेरे लिए ये सोचने का मसला बना। और ईमानदारी की बात यह है कि ये जानते हुए कि गांधी आखिरी दम तक अहिंसा को नहीं छोड़ा, मैं गांधी का भक्त होने के बावजूद उस तरह का विश्वास अहिंसा में नहीं रख पाता हूँ जितना कि गांधी को था और जितना कि मैं खुद रखना चाहूंगा। इसके कारणों पे आप कुछ रोशनी डालिए, क्योंकि आपने अपने लेखन में आपकी जो किताब है वायलेंस एंड नॉन वायलेंस अक्रॉस टाइम्स उसमें आपने जिक्र किया है कि एक बड़ी अबाइडिंग पजल है ये हिंसा और अहिंसा के बीच का जो तालमेल कहिए या अंग्रेजी में उसको हम डायनेमिक कहेंगे इक्वेशन कहेंगे, तो इसको आप थोड़ा विस्तार से समझाइए कि ये क्या विडंबना है। अब देखो रजनी, क्योंकि तुमने ये किताब देखी हुई है जो मैंने एड की है, इसका लंबा सा इंट्रोडक्शन जिस कर रही हूँ, ये इन वक्त भी तुमको लगा होगा कि ये आदमी पजल की बात कर रहा है, इसके पास कोई साधन अभी भी नहीं है। तो देखो उसमें जो मैंने एक बात की है कि हम सब देख सकते हैं कि मानव संस्कृति का सभ्यता का इतिहास का जो विकास हुआ है वो एक ऐसी एक्सिस बनती है जो कि वायलेंस नॉन वायलेंस दोनों छोरों पर आती जाती रहती है। ये संभव ही नहीं था कि मानव सभ्यता इतना विकास कर ले और हिंसा ना। तो हिंसा से तो निजात है नहीं। और जब मैं ये बात कह रहा हूं तो जैनियों जैसा कोई सिद्धांत नहीं प्रतिपादित कर रहा हूं जो कि मान के चलते हैं कि हिंसा से छुटकारा है ही नहीं। वो तो आप सांस लेंगे तो भी आपसे जाने अनजाने में हिंसा हो ही जाएगी। तो मैं उस सिद्धांत की बात नहीं कर रहा, मैं रोजमर्रा के जीवन की बात कर रहा हूं कि एक हद तक तो हिंसा की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। जो दुश्वारी है वो ये है कि हिंसा जितनी जरूरी होती है कभी उस दायरे तक सीमित नहीं हो पाती है, वो हमेशा उससे ज्यादा होती है। और जितनी ज्यादा होती है उतनी ही वो और ज्यादा बढ़ने लगती है। तो गांधी की मैं तुम्हें एक बात याद दिलाऊं, गांधी था कि मैंने आज तक इतिहास में कोई ऐसा उदाहरण नहीं देखा जिसमें कि जितनी जरूरी हिंसा रही हो उतनी ही हिंसा का इस्तेमाल किया गया। एक तो ये बात कि वो जो जरूरी बैलेंस है जो तालमेल है हिंसा और अहिंसा का वो तालमेल हम नहीं बना पाते और उसके बड़े गहरे मनोवैज्ञानिक कारण हैं और दूसरे कारण भी हैं। और इसी सिलसिले में गांधी की एक और बात मुझे याद आ रही है और वो मैं लिख के ले आया हूँ
ताकि ऐसा ना हो कि मैं गांधी के शब्दों को थोड़ा भी अदल बदल दूं। अच्छा, तुम तो जानती हो कि गांधी तो ऐसे बातें करते थे बिल्कुल आसान बच्चों की भाषा में, और बहुत बड़ी बड़ी बातें कह देते थे। तो गांधी बिहार में घूम रहे हैं, नुआखाली से उनको आना पड़ा है, क्योंकि मुसलमानों को शायद गांधी ही बचा पाते बिहार में, तो वो नुआखाली से आए हैं बिहार मुसलमानों के लिए, और जगह जगह गांव गांव जा रहे हैं, रोज बोलते हैं। और एक दिन शाम को बोलते हुए गांधी कहते हैं, हिंसा का जवाब हिंसा से देने के कारण ही तो दुनिया एटम बम तक पहुंच गई। देखो कितनी सीधी और कितनी सच्ची बात है। अब सोचने की जरूरत यह है कि हम हिंसा करते हैं, बगैर सोचे समझे भी कर देते हैं, जरूरी समझ के भी करते हैं, और उस वक्त हम ये भूल जाते हैं कि इस छोटी सी हिंसा का जो तार्किक परिणाम और अनिवार्य तार्किक परिणाम होगा वो एटम बम होगा। अभी गांधी में ये समझ है कि वो कह रहे हैं कि हिंसा का जवाब हिंसा से देने से ही तो दुनिया एटम बम तक पहुंची। सो जब मैं वो उस किताब की प्रस्तावना लिख रहा था जिसका तुमने जिक्र किया, वायलेंस एंड नॉन वायलेंस अक्रॉस टाइम, तो मैं इससे जूझ रहा था, इस समस्या से। और उसमें तुमने ध्यान दिया होगा कि एक पैलेस्टीनियन स्कॉलर है जो अपने पर्चे में बाकायदा ये लिखता है कि अहिंसा की बात एक कॉन्स्पिरेसी है, इंपीरियलिस्ट कॉन्स्पिरेसी। तो मैं वायलेंस नॉन वायलेंस के इस जो तुम डायनेमिक्स कह रहे हो, या डायलेक्टिक हम इसको कह सकते हैं, उसका एक रूप ये पैलेस्टीनियन स्कॉलर का आर्टिकल है। और उसके नजरिए से अगर देखो कि हमसे तुम कहते हो, तो कहता है कि ये इंपीरियलिस्ट कॉन्स्पिरेसी है। और देखो ये तो आज के उन लोगों की मैं बात कर रहा हूं जो कि समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो क्या करें कि वो अपने इस शोषण से मुक्त हो सके। मैं तुम्हें नेहरू पर वापस ले जाना चाहता हूं। नेहरू का एक वक्त वो जेल डायरी मेंटेन करते थे, ये दूसरे विश्व युद्ध के जमाने की बात है, शायद 1943 की। तो वो अपनी प्रिजन डायरी में नेहरू लिखते हैं, वो मैं सुनाना चाहता हूं। वायलेंस नॉन वायलेंस बिकम एकेडमिक क्वेश्चंस। हु आर वी टू ब्लेम दोज हु इंडल्ज इन वायलेंस टुडे नॉट नोइंग व्हाट हॉरर दे हैव टू फेस। अब एक स्थिति ये है जिसमें कि पैलेस्टीनियन स्कॉलर इसको कॉन्स्पिरेसी कह रहा है, इंपीरियलिस्ट कॉन्स्पिरेसी। नेहरू जैसा आदमी कह रहा है कि हु आर वी टू ब्लेम दोज हु इंडल्ज इन वायलेंस नॉट नोइंग व्हाट हॉरर्स दे हैव टू फेस। तो एक स्थिति ये है, और दूसरी स्थिति वो है, और चूंकि नेहरू की बात चली तो मैं नेहरू पर ही रुकना चाहूंगा दो मिनट के लिए। तो दूसरी स्थिति ये है कि यही नेहरू जब आजादी हासिल हो गई और जब देश के प्रधानमंत्री बन गए, तो ये और पटेल पहले आदमी थे जिन्होंने गांधी से कहा कि बापू अहिंसा से काम नहीं चलेगा।
तो कैसी विडंबना है कि अंग्रेजों से जब लड़ना है तब तो अहिंसा से काम चलेगा, जब आपसी झगड़े मिटाने हैं, मुसलमानों से जूझना है, तो कहा जा रहा है कि बापू अहिंसा से काम नहीं चलेगा। तो वो इंट्रोडक्शन लिखते वक्त मैं बार बार इस परेशानी से गुजर रहा था कि हम करें तो क्या करें। और मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, और ये सब अपनी परेशानियां मैं बताना चाह रहा हूं, जो समझते हैं कि उनके पास कोई मंत्र है इससे निकलने का, मुझे लगता है शायद वो खुशफहमी में है, हम निकल नहीं पा रहे हैं। ये बड़ा बड़ा मुश्किल विशेष सर्किल बन गया है, और इसकी बात हो सकता है हम अभी और आगे करें। तो मैं बिल्कुल ही अपने को इस मामले में क्या कहूं पजल्ड हूं। पजल्ड शायद सबसे सही शब्द होगा। और अगर मैं तुम्हारे अगले सवाल को और थोड़ी देर के लिए मुलतवी कर सकूं, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि इसी इंट्रोडक्शन ये वायलेंस नॉन वायलेंस अक्रॉस टाइम में गांधी के जीवन का शायद अंतिम इंटरव्यू था, उस इंटरव्यू का एक हिस्सा मैंने दिया है, और वो हिस्सा मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं ताकि ये बात बिल्कुल जाहिर हो जाए कि जिस परेशानी की मैं बात कर रहा हूं वो परेशानी कितनी विकट है। मैं तो वो जो ग्रीक शब्द होता है ना एपोरिया, कि प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का सलूशन नहीं, तो मुझे तो ये बिल्कुल एपोरिया की तरह लगता है वायलेंस नॉन वायलेंस का संबंध। तो ये गांधी का जो इंटरव्यू है अमेरिकन फोटो जर्नलिस्ट गांधी से सीधा सवाल पूछती, 30 जनवरी के सुबह हो रहा है इंटरव्यू, शाम को जो होना है वो होना है, गांधी से वो दो टूक सवाल पूछती है, हाउ वुड यू मीट द एटम बॉम्ब। सवाल पर गौर करो, हाउ वुड यू मीट द एटम बॉम्ब। गांधी एक वाक्य बोलते हैं जवाब में, आई वुड मीट इट बाय प्रेयरफुल एक्शन। इंटरव्यूअर दंग है कि कह क्या रहे हैं, आई वुड मीट इट बाय प्रेयरफुल एक्शन। गांधी समझ लेते हैं कि मेरी बात इस तक नहीं पहुंची है, तो वो आगे बोलना शुरू करते हैं। अब वो हिस्सा सुनो, गांधी कहते हैं आई विल नॉट गो अंडरग्राउंड, I will not go into shelters. I will come out in the open and let the pilot see I have not the face of evil against him, against the pilot. Right. यहां गांधी रुकते हैं, अपना चरखा संभालते हैं और फिर बोलना शुरू। रजनी इस पर गौर करना कि अभी तक गांधी आई कह रहे हैं, अब इस अल्प विराम के बाद गांधी आगे बोलते हैं, और इस पर गौर करना कि गांधी के आई का क्या होता है। गांधी कहते हैं द पायलट विल नॉट सी अवर फेसेस फ्रॉम हिज ग्रेट हाइट। Our faces, but
the longing in our hearts that he will not come to harm would reach up to him and his eyes would be opened. Of those thousands who were done to death in Hiroshima, if they had died with that prayerful action, died openly with that prayer in their hearts, then the war would not have ended so disgracefully as it has. It is a question now whether the victors are really victors or victims of our own lust and omissions. Because the world is not in peace, it is still more dreadful. रजनी इस पर गौर करो, सोचने की बात है। गांधी एटम बम की बात कर रहे हैं, हाउ वुड यू मीट द एटम बम? कहते हैं कि मैं बाहर निकल जाऊंगा, खड़ा हो जाऊंगा, मैं जानता हूं वो मुझे नहीं देख पाएगा। और ये बोलते वक्त कहां से उनको ये विश्वास मिलता है कि वो सड़क पर अकेले नहीं खड़े होंगे? और यहां मैं एक दूसरा सवाल अपने आप से पूछता हूं कि मैं तो गांधी का इतना बड़ा भक्त हूं, जब गांधी सड़क पर खड़े होंगे एटम बम का मुकाबला करने को, तो क्या मैं उन लोगों में होऊंगा जो कि गांधी के आई को वी बना दें? सच मानो रजनी, मैं चाहूंगा वो होना, जानता नहीं कि होऊंगा या नहीं होऊंगा। अगर इससे मेरी दुविधा, मेरे धर्म संकट को समझ सकूं, तो शायद हम बात और आगे कर सकते हैं। लेकिन जिसके सामने ये दुविधा है, वो जो गांधी कहते हैं ना कि हर कोई अपने को देखे, तो मैं अपने को देख रहा हूं, तो मैं दूसरों से क्या अपेक्षा करूं कि जाओ गांधी के साथ खड़े हो, एटम बम का मुकाबला करो? एटम बम बहुत दूर की चीज है, हम तो अपने ही नागरिकों के साथ, देशवासियों के साथ खड़े होने को नहीं तैयार होते, तब जबकि हम जानते हैं कि वो सही है। तो बताओ क्या करूं? नहीं, बहुत मुश्किल और बहुत विकट आपने दुविधा रखी है। एक इसको मुझे जो सूझ रहा है, ऐसा क्यों ना हम करें कि हम एटम बॉम्ब बहुत बड़ी और बहुत दूर की चीज है, हम आज के रोज की जिंदगी में जिन परिस्थितियों से हम लोग जूझ रहे हैं उन पे आ जाएं, जो कि मौखिक हिंसा का ही जहां तक सवाल है। क्योंकि आज ये परिस्थिति है कि हम देख रहे हैं परिवार परिवार में, घरों में, भाई बहनों के बीच में, विचारों को लेकर, राजनीति के पहलुओं को लेकर जिस किस्म की वर्बल और इमोशनल वायलेंस चल रही है, क्यों ना हम उस स्तर पे ले आए और फिर आपके विडंबना को वापस हम उस संदर्भ में देखें, तो आपको लगता है कि संभावनाएं काफी हैं और उन संभावनाओं पे आप कैसे पेश आएंगे या उन संभावनाओं को आप कैसे परखेंगे, जो कि मैं जानती हूं आप रोज की जिंदगी में कर रहे होंगे? नहीं, ये तुमने बड़ा अच्छा किया
के बात को तुम इस जरूरी स्तर पर ले आए और इस सिलसिले में तुमने संभावना की बात की। मैं इस तरह इस बात को आगे बढ़ाऊंगा कि ये संभावना परिवारों में, मित्रों के बीच में, मैं उनकी बात कर रहा हूं, तुम जैसे और मुझ जैसे लोगों के परिवारों की और मित्रों की बात कर रहा हूं, ये संभावना सिकुड़ रही है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है ये सिकुड़ रही है। और देखो तो उदाहरण से बड़ा कोई और सबूत नहीं होता। अभी मुश्किल से 10 दिन पहले की बात है कि मेरी बहन ने मुझे फोन किया। वो जानती है मेरे विचारों को और मुझसे कहने लगी कि सुधीर, ये गांधी के खिलाफ आजकल इतनी बातें हो रही हैं, ये क्यों हो रही है? तो मैंने कुछ कहने की कोशिश की कि तुम तो जानती हो कि किस तरह का वातावरण इस वक्त हमारे देश में पनप रहा है, इस वक्त किसको चिंता है सच और झूठ की, प्रोपेगेंडा चल रहा है। तो उसने कहा मुझसे कि सुधीर, ये मेरी चचेरी बहन है, तो उसने कहा अपने पिता की बात करके कि तुम तो जानते हो कि दद्दा गांधी के उपासक थे, मंदिर में नहीं जाते थे लेकिन गांधी की तस्वीर को नमस्कार करते थे। फिर उसने एक और व्यक्ति का जिक्र किया और बोली कि तुम तो जानते हो कि मैं ऐसे पिता की बेटी हूं। तो मैंने कहा और ऐसे भाई की बहन भी हो, तो खैर वो जो भी, तो ऐसे भाई की बहन ने कहा कि लेकिन देखो सुधीर, मैंने हाल में नाथूराम गोडसे की एक कविता पढ़ी और मैं रोने लगी वो कविता पढ़ के। सच्चा देशभक्त था नाथूराम गोडसे। अब रजनी, आजकल ये तो मुश्किल है कि हवाई जहाज में बैठूं और दूर अपनी बहन के पास जाके बात करूं, और फोन पर सीमाएं होती हैं। और मेरा भांजा, इसी बहन का बेटा, अघाता नहीं है गांधी की बात करते हुए। वो कहता है कि मामा, मैंने तो आपकी गांधी एक असंभव संभावना चाट डाली है। तो भांजा ये कहता है, वो भांजे की माँ मुझसे वो कहती है, अगर मैं अपने बहनोई का तुम्हें बताऊं कि उन्होंने क्या कहा, फिर तुम शायद सो नहीं पाओगे। बस इतना जरूर कहूंगा कि मैंने उनसे ये पूछा कि यार तुम इतनी बातें बोल रहे हो, ये बताओ तुमने इस पर पढ़ा क्या है। ये बड़ा ही सफल व्यवसायी है, कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं है और दुनिया घूमा हुआ है। तो जब मैंने कहा तुमने पढ़ा क्या है, तो उसने कहा पढ़ते तो हम कभी नहीं। अब रजनी देखो, जो स्थिति हो रही है वो ये हो रही है कि तुम बोलना चाहते हो और तुमको वो सुनने को नहीं तैयार। बहुत ज्यादा अगर कोई उपकार करता है तो ये कहता है
हाँ वो तो ठीक है, लेकिन तो वो तो ठीक है, तो आजू बाजू हो जाती है बात, लेकिन असल बात बन जाती है। और तुम तो जानती हो जिस तरह का दुष्प्रचार हो रहा है, अब इतने बड़े झूठों के आगे कितना मुश्किल होता जा रहा है। और ये तो घर घर में हो रहा है, तो मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूं। देखो लेकिन दूसरी तरफ मैं एक और बात कहना चाहूंगा, अब आजकल तो स्थिति बिल्कुल बदल गई है, लेकिन ये लॉकडाउन से पहले तो हम लोग घूम ही रहे थे, जगह जगह जाके बोल रहे थे, तो मुझे ऐसे भी अनुभव हुए कि मैं किसी कॉलेज में गया हूं, हॉल खचाखच भरा हुआ है लड़के लड़कियों से, और घंटा भर सवा घंटा वो सुन रहे हैं तुमको, कोई चू नहीं हो रही है, कोई बाहर नहीं जा रहा है, और उसके बाद जो डिस्कशन होता है, हैदराबाद में तो एक स्कूल में मुझसे कहा एक घंटा बोलने को, मैंने कहा कि ये आपके आठवें नवें दर्जे के एक घंटा सुन पाएंगे, और वो भी अंग्रेजी में, तो उनका आप बोलिए। तो रजनी जितना मैं बोला नहीं उसका दुगना तो बच्चे बोले और बातें की। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब रसातल की ओर ही जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर अनुपात हम देखें तो हताशा पैदा करने वाली घटनाएं इतनी अधिक हैं। मैं उन लोगों में से हूं जो लिखते समय इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि संवाद उनसे करने की कोशिश करो जो तुमसे असहमत है। बिल्कुल, वो तुमसे सहमत हैं, उनके साथ तो जितना बढ़ चढ़ के बोलोगे उतनी वाहवाही मिलेगी जी। लेकिन अगर ये जो एक जो आप दृश्य बता रहे हैं वो एक अंधकार के माहौल का, लेकिन हमारा परंपरागत एक बहुत बुनियादी विचार कहें या दृष्टिकोण रहा है कि अंधकार को मिटाने के लिए एक चिराग भी काफी होता है। कम से कम वो अंधकार तब पूर्ण रूप से नहीं होता। तो क्या हम आज भी अपनी पूरी सभ्यता की जो एक निचोड़ रहा है उसको लेते हुए, महाभारत की सीख को सामने करते हुए, कम से कम ये अहिंसा और हिंसा के ऊपर क्या हम अभी भी ये संवाद करने की ओपनिंग्स को नहीं है, अगर तो हम उनको बनाने की कोशिश तो कर सकते हैं। देखो रजनी, तुम्हारी इस बात से तो असहमत होने की गुंजाइश ही नहीं। कई बार होता है ना कि हम कहना चाहते हैं कि हम तुमसे सहमत होना चाहते हैं, लेकिन क्या करें नहीं हो पा रहे। लेकिन ये तो इतनी अच्छी बात है और इतनी सही बात है कि इससे असहमति हो ही नहीं सकती, तो ये कोशिश तो हमें बनाई रखनी। और ये भी कह दूं कि जितनी मैं हताशा, जितनी अपनी निराशा इस वक्त व्यक्त कर रहा हूं, उसके पीछे भी असल चीज तो ये है कि कहीं एक आशा बनी है जो मैं इस हताशा की बात कर रहा हूं। अगर अगर वो आशा बनी ना हो तो मैं दूसरों से ये क्यों कहूं कि भाई जो धर्म संकट, जो दुविधा मेरी है, उस दुविधा पर भी ध्यान दीजिए, इसलिए कि समस्या सरल नहीं है, समस्या विकट है। जब तक इसकी विकटता हम नहीं भांप लेंगे,
समझ लेंगे तब तक कारगर हस्तक्षेप हमारे लिए मुमकिन नहीं होगा। तो मैं तो पूरी तरह सहमत हूं। और देखो, चूंकि तुमने महाभारत की बात की, तो देखो बड़ा अच्छा है कि जो भी 5-10 मिनट बचे हैं, देखो आप बात करें, वो जो वायलेंस नॉन वायलेंस अक्रॉस टाइम की तुमने का जिक्र किया, उसी के इंट्रोडक्शन में महाभारत का मैंने जिक्र किया। और मैं अब वेदव्यास की बात करना चाहूंगा तुमसे सहमति जताने के संदर्भ में। क्योंकि हम सब जानते हैं कि महाभारत हो जाता है, संहार हो जाता है, और वो ऐसा युद्ध है जिसमें कोई विजेता है ही नहीं, सब हारे हैं। तो उस युद्ध के बाद वेदव्यास महाभारत में ही वो जो प्रसिद्ध तो दोनों हाथ अपने ऊपर उठा के कि मैं पूछता हूं कि जब धर्म से ही इन सब उद्देश्यों की प्राप्ति हो सकती है तो ऐसा अधर्म क्यों है। और ये वेदव्यास महाभारत के अंत में कह रहे हैं। ये वो वेदव्यास हैं जो ये दावा करते हैं, और सही दावा करते हैं, कि जो संसार में है वो महाभारत में है, और जो महाभारत में नहीं है वो संसार में नहीं है। किसी कवि ने ये वादा तो दावा तो नहीं किया, और वो दावा गलत नहीं है। कौन सी ऐसी समस्या है संसार की जो बीज रूप में महाभारत में न मिलती? आदमी के निकृष्ट से निकृष्ट कर्म और महान से महान कर्म, जो पूरी संभावनाएं हैं मनुष्य की, अच्छी और बुरी सारी संभावनाएं महाभारत ने खंगाल के हमारे सामने रख दी। तो हमें अपने आप से ये सवाल पूछना होगा कि क्या कारण था कि ये सब कुछ जानने वाला वेदव्यास, जो जानता है कि मैं लाख समझाऊं कि धर्म से ये सारे तुम्हारे कार्य सिद्ध हो सकते हैं, इन्हें तो अधर्म की ओर जाना ही जाना, तो वो जानते हैं कि अधर्म की ओर तो जाएंगे ही जाएंगे, और फिर भी धर्म की सीख देने से वो बाज नहीं आते। और कोई ऐसा वैसा काम कर रहे थे? भाई उन्हें तो गणेश से मदद लेनी पड़ी थी लिखने के लिए, तो लिखी। तो जिस आदमी ने ऐसी मेहनत की हो ये जानते हुए कि मैं तो लिख दूंगा, लेकिन ये अपनी सी से हटेंगे नहीं, तो मैं पूरी तरह से उनसे सहमत हूं कि ये इसकी ओर इशारा भी करना चाहता। और अगर मैं फिर से तुम्हें वो याद दिला दूं, तो तुमने तो भाई शायद मुझसे ज्यादा अच्छी तरह मेरी गांधी का संभव संभावना को समझ लिया है कि देखो, नहीं नहीं तुमने जैसे लिखा है तो तुम ये देखो कि उसके अंत में मैं एक सवाल उठाता हूं, बहुत ही छोटा सा सवाल है, और वो सवाल ये है कि ऐसा तो नहीं कि मानव की ही कोई ऐसी विवशता है, ऐसी स्वभावगत कमजोरी है कि वो अपना संहार करके ही मानेगा? तो हमें तो उससे जूझना है
और इसीलिए गांधी की वो बात कि हर कोई अपने को देखे। भाई आज के वक्त में अगर तुम अहिंसा कन्वर्सेशन चला रही हो, हम जब मौका मिल जाता है बोलते और लिखते हैं, बुलाए जाते हैं तो दौड़े दौड़े जाते हैं, कम से कम इतना तो करते रहे। भाई आखिर गांधी भी अंत में ये तो देख ही रहे थे कि उनकी कोई सुनता नहीं, और ये जानते हुए कि उनकी कोई सुनता नहीं है वो बोलते रहते थे। ये भी कहते थे कि मैं तो रोज रोज वही बात कह रहा हूं, तो हमें तो रोज रोज वही बातें कहनी है, ये जानते हुए कि हमें कोई नहीं सुन रहा, जो कि सही नहीं है, जो कि सही नहीं है। जैसे वो बच्चे तो सुन रहे हैं आपको, मेरा भी बिल्कुल वही अनुभव है। मैं इसीलिए जोड़ रहा हूँ कि जो कि सही नहीं है, जो कि गांधी के लिए सही नहीं था। भाई आखिर कुछ तो गांधी को सुन ही रहे थे जी। तो अच्छा, वो फिर ये वो जो भवभूति वाली बात है कि भाई समय तो अनंत है, जिस अंधकार की तुम बात कर रहे हो ये सदा थोड़े ही रहने वाला है, और मान लो सदा रहता है तो अंत है, तो अंत अगर हो जाता है तो फिर क्या चिंता करनी। अगर अंधकार का अंत होना है तो अंधकार के बाद प्रकाश तो आना ही आना, उस तो बस इस उम्मीद में जीते रहें, बोलते रहें, और सारे खतरों के बावजूद, सारे क्या जी, सारे खतरों के, सारे डरों के बावजूद, हाँ हाँ खतरों के बाद, खतरों डरों इन सब, अगर अपने तई ईमानदार बने रह सके तो वो बहुत बड़ी बात है। इससे ज्यादा क्या कोई आज कह सकता है। फिर भी मैं आपसे आखिर में एक चैलेंज रखती हूँ। आपकी जो ये किताब है गांधी एक असंभव संभावना, उसकी खूबसूरती ये है कि आपने गांधी जी के आखिरी करीब 10 महीने का पूरा वर्णन किया है, और उसमें से निकल के ये आता है उस किताब में कि गांधी जी जब अपने प्रयास, अहिंसा के अपने प्रयास और प्रयोग से बिल्कुल निराश भी हो गए, तो अहिंसा के विचार और उस सिद्धांत और उसकी उसको लागू करने की मानव शक्ति में उनका विश्वास फिर भी नहीं डगमगाया, जो कि वो आपने जो पहले बताई वो कहानी उनके आखिरी दिन की, उसमें ये बात फिर से व्यक्त होती है। जो साधारण मनुष्य अपने आप को मानता है उसके लिए भी संभव है उन संभावनाओं को का पीछा करना। थोड़ा सा इस पे कुछ कहिए एज ए क्लोजिंग कमेंट। रजनी वो तो मेरे लिए संभव है नहीं, वो तो मेरे लिए संभव है नहीं, लेकिन ये जरूर मैं दोहराना चाहूंगा कि गांधी देखने के बावजूद, ये देखने के बावजूद कि उनकी अहिंसा असफल हुई, वो तो इस हद तक चले गए, उन्होंने कहा कि मेरी अहिंसा तो कभी यहां चलाई नहीं गई, मैं जिसको अहिंसा समझ रहा था, सत्याग्रह समझ रहा था, वो तो निष्क्रिय प्रतिरोध था, और निष्क्रिय प्रतिरोध हिंसा की तैयारी होता है। और इसी संबंध में रजनी तुम्हें एक बात की याद दिलाना चाहता हूं। एक बार हम दोनों साथ थे साबरमती आश्रम में, और मुझे खूब याद है
इसी तरह की बातें मैं कर रहा था और तुमने मुझसे कहा था कि डोंट फॉरगेट नॉन वायलेंस इज ऑलवेज एस्पिरेशनल, वो इतनी गहरी और इतनी जरूरी बात है जो तुमने उस दिन कही थी, ये मत समझो कि मैं भूल गया हूं उस बात को, वो मुझे याद है। तो मैं यहां दोहराना चाहूंगा कि गांधी, तो ये बात सही है कि इट कैन ओनली बी एन आइडियल, इससे लेके परेशान ना हो कि ये तो अमल में आई नहीं है हिंसा, आज नहीं आएगी कल आएगी। तो गांधी जब पूरा सब कुछ देख चुके, पूरा उनका मोह भंग हो गया देश से, उस वक्त उन्होंने ये कहा था, दिवालिया मैं हुआ हूं, अहिंसा दिवालिया कभी नहीं हो सकती। तो जो 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 तुम जहां मुझे ले गई हो अपने इस आखिरी सवाल को लेके, तो मुझे तुम्हारी बात याद आ रही है, इट कैन ओनली, इट इज ऑलवेज एस्पिरेशनल, गांधी का दावा और सही दावा कि दिवालिया मैं हुआ हूं, अहिंसा दिवालिया हो नहीं सकती। और बिल्कुल ही अंत में अगर कोई मंत्र देना है तो मंत्र तो सीधा साधा ये है कि हमें अपने जीवन की, मतलब ये मानव जीवन की आज की एक सच्चाई का सामना करना पड़ेगा, और वो सच्चाई ये है कि इंसान को अहिंसा की कभी इतनी जरूरत नहीं थी जितनी कि आज है। और इसका विस्तार से इस पर बात हो सकती है कि क्यों कभी इतनी जरूरत इंसान को अहिंसा की नहीं हुई जितनी कि आज, चाहे वो आपसी संबंध हो मानव के, चाहे प्रकृति के साथ संबंध हो मानव के, वो जिस तरह की हिंसा बढ़ गई है और जिस तरह से वो आत्मसंहार की ओर, सामूहिक आत्मसंहार की ओर मानव जाति को ले जा रही है, तो इसमें दो मत नहीं हो सकते कि संसार को, इंसान को अहिंसा की कभी इतनी जरूरत नहीं थी जितनी कि आज। लेकिन विडंबना ये है, या कहें कि ट्रेजेडी ये है कि इंसान कभी अहिंसा के लिए इतना गैर तैयार नहीं था जितना कि आज है। ये आपको एक बार फिर कहना पड़ेगा, there was a small disturbance। मैं ये कह रहा हूं कि आज हम अगर बिल्कुल ही एक और दो वाक्य में बात खत्म कर ली है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इंसान को अहिंसा की कभी इतनी जरूरत नहीं थी जितनी कि आज है, और इंसान कभी अहिंसा के लिए इतना गैर तैयार नहीं था जितना कि आज है। तो अगर हमें अपने को नष्ट होने से बचाना है तो ये तैयारी निहायत जरूरी है, वरना जो होना है वो होगा, इससे ज्यादा उम्मीद में नहीं जता सकता। बहुत बहुत शुक्रिया।